धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रशेखरपुर एडू में लगातार गरीब ग्रामीणों को छलने के साथ उनके हक की आर्थिक लाभ वाली योजनाओं की लाखों रुपए की राशि का घोटाला करने वाली महिला सरपंच का गुरुवार 15 अक्टूबर को वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने धरने के दूसरे दिन छाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में महिला सरपंच का पुतला फूंका है। हालांकि छाल पुलिस ने सरपंच के अधजले पुतले को छीनकर बुझा दिया। ग्रामीणों का तो ये तक के आरोप है कि महिला सरपंच को स्थानीय विधायक और जनपद प्रशासन के अधिकारियों का इस बड़े घोटाले में खुला संरक्षण प्राप्त है। यहां हम आपको बता दें कि बीते वर्षों में शौचालय निर्माण और हितग्राहियों को उनकी हक की शौचालय की राशि का वितरण नहीं कर राशि को गबन करने की नीयत से वितरण नहीं किया जाना और अन्य गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों में हुए भारी भ्रष्टाचार काफी दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उक्त आरोप युवा जनता कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष नवल राठिया और निरंजन दास महंत के नेतृत्व में यहां के ग्रामीण वासियों द्वारा घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारी को दी गई, जिसमें 7 दिवस के भीतर जांच व कार्यवाही की मांग की गई थी और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की बात भी की गई। ऐसे और कई अनेकों समस्याओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी और जनपद सीईओ को लिखित शिकायत की गई, मगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मजबूर होकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर वे बैठ गए और इसी के चलते धरने के दूसरे दिन सरपंच का पुतला फूंका गया है। आज हमारे धरना का दूसरा दिन है, मगर अभी तक किसी भी शासन प्रशासन या पंचायत के किसी भी संबंधित व्यक्ति ने हमसे संपर्क नहीं किया। ये घोर लापरवाही हमारे समझ से परे है। आज इसी आक्रोश में हमने सरपंच महोदया जिला बाई राठिया का पुतला दहन किया और हमने ये फैसला लिया है कि यदि कल तक हमसे कोई शासन प्रशासन या कोई भी संबंधित अधिकारी हमसे मिलने नहीं आता तो परसों से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नीरज विश्वास की रिपोर्ट।